हेलो डियर स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल ऑन ए सी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस सो आज हम यहां पर यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट फ्लूडो मैकेनिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम जो हाइड्रोलिक्स पोर्शन है जिसमें पम्प टर्बाइन का जो पोर्शन है जैसे टर्बो मशीनरी कहा जाता है और जो ओपन चैनल फ्लो वाला पार्ट है ये पूरा हम कंप्लीट करेंगे इस टारगेट सीरीज के अंदर और इस टारगेट सीरीज का मेन मतलब है कि सभी स्टूडेंट्स किसी भी स्टेट के जो सभी ए जे एग्जाम्स मेनली एस एस सी जई आर आर बी जई यह अपने डिफरेंट स्टेट्स की ए या जे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं सो उन्हें कंप्लीट एफ एम में यहाँ पर यूट्यूब पर प्रोवाइड कर रहा हूं साथ में यहां पर हम न्यूमेरिकल्स और थ्योरी दोनों चीज़ें कंप्लीट करेंगे और डिटेल में पूरा फ्लूड मैकेनिक्स हम यहां पर पढ़ने वाले हैं क्लियर सो स्टार्ट करते हैं सेशन को जो फ्लूड मैकेनिक्स से सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे फ्लूड मैकेनिक्स के पहले ओवरव्यू पोर्शन की बात करेंगे कैसे चीजें इसमें यहां पर क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो डेली हमारा सेशन रहेगा वो इस टारगेट के अंदर विजय सर ने सर्विंग कंप्लीट कर दिया और अब नया सब्जेक्ट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग फोर पी पर स्टार्ट किया है और मैं सिविल और मैकेनिकल दोनों ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए फ्लूड मैकेनिक्स इवनिंग में 5:30 थर्टी पर डेली आपकी क्लासेस रहेंगी क्लियर सो so आपको एफएम के रिगार्डिंग अब इसके बाद कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है कंप्लीट फ्लूड मैकेनिक्स पूरा मैं आपको यहां प्रोवाइड करने वाला हूं अच्छा सबसे मेन खास बात यह है कि जब हम मंडे टू फ्राइडे पूरा एफ पढ़ेंगे यूनिट बाई यूनिट टॉपिक्स टॉपिक्स बाय तो जितना भी हम पांच दिन में कवर करेंगे उससे रिलेवेंट आपके जो भी डाउट कंसर्न डाउट निकलकर आते हैं उन टॉपिक्स में या कोई भी आपसे नहीं बनता है तो मैं यहां पर सटरडे के दिन एफएम पर चर्चा हम करेंगे और उसमें पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस और डाउट सेशन हम लेंगे सैटरडे के दिन क्लियर है सो so, स्टार्ट करते हैं सो दिस इज माय प्रोफाइल

फ्लूड मैकेनिक्स अगर मैं तीन पार्ट में बच्चों को क्लासीफाई करूं जहां से क्वेश्चन आते हैं चाहे हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक हमारा जो पोर्शन होता है वो होता है हाइड्रोलिक्स का पोर्शन ठीक दूसरा हमारा जो पोर्शन होता है वो होता है यहां पर ओपन चैनल फ्लो और एक जो हमारा पोर्शन होता है वो होता है टर्बो मशीनरी वाला पार्ट जिसको हम पंप एंड टर्बाइन वाला पार्ट भी बोल सकते हैं जिसमें हम इंपैक्ट ऑन जेट ये भी पढ़ते हैं साथ में पंप एंड टर्बाइन के बारे में डिटेल में हम पढ़ते हैं सो so, हाइड्रोलिक्स के अंदर यहां पर कौन कौन से यूनिट्स आते हैं मैं आपको पहले वो बता दूं जो हाइड्रोलिक्स पोर्शन है उसके अंदर जो हमें यूनिट कवर करनी है उसमें पहला यूनिट है फ्लूड प्रॉपर्टीज नेक्स्ट है फ्लूड स्टेटिक्स फ्लूड स्टेटिक्स के अंदर हम बात करेंगे प्रेशर मेजरमेंट देन हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेस बायसी एंड फ्लोटेशन कॉन्सेप्ट मतलब आरके मडीज प्रिंसिपल क्लियर और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे वहां पर मोशन ऑफ स्टेटिक फ्लूड

नेक्स्ट हमारे पास जो है टर्बुलेंट फ्लो एंड एनालिसिस एंड मॉडल एनालिसिस सो अप दी यूनिट नंबर टेन हमारा पूरा हाइड्रोलिक्स का पोर्शन है मतलब यूनिट नंबर वन से लेकर यूनिट नंबर टू तक पूरा किस में क्लासिफाई होगा बच्चों हाइड्रोलिक्स में नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहां पर जो नोचेस वीर्स हैं और ओपन चैनल फ्लो है यानी जो यूनिट नंबर 11 है और यूनिट नंबर 14 है यूनिट नंबर 11 जो है और यूनिट नंबर 14 है इसको हम ओपन चैनल फ्लो के अंतर्गत पढ़ेंगे और जो यहां पर हमारे पास 12 एंड 13 है इंपैक्ट ऑफ जेट एंड टर्बाइन एंड पंप यानी 12 एंड 13 ये 12 एंड 13 हम जो पढ़ेंगे ये किस में हम पढ़ेंगे ये हम पढ़ेंगे पंप एंड टर्बाइन या टर्बो मशीनरी वाले टॉपिक्स के अंतर्गत तो ये पूरा हमारा एफएम का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है अब यहां पर हम बात करते हैं एफएम का जो वेटेज है वो सभी एग्जाम्स में लगभग कितना रहता है तो अगर मैं वेटेज की बात करूं बच्चों तो मैकेनिकल वाले बच्चों के इसमें काफी ज्यादा वेटेज होता है और कोई भी एग्जाम हो वहां पर मिनिमम 15 मार्क्स का क्वेश्चंस आते ही आते हैं और जब 15 में बोल रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं आउट ऑफ 100 मतलब 15 परसेंट का इसका वेटेज है जो सभी सब्जेक्ट्स को अगर हम देखें तो काफी बड़ा वेटेज माना जाता है अगर हम सिविल के लिए बात करें तो इसका जो वेटेज है वो 10 मार्क्स का है आउट ऑफ 100 मतलब 10 परसेंटेज का वेटेज है सिविल ब्रांच के अंदर अगर मैं यहां पर बात करूं टेन का तो टेन में से लगभग आप ये समझ लीजिए कि जो हमारा हाइड्रोलिक पोर्शन है वहां से सात छह या सात क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे जो पंप टर्बाइन वाला पोर्शन है वहां से हमें एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ओपन चैनल फ्लो वाला जो पोर्शन है वहां से हमें एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सो so, लगभग ये वेटेज होता है फ्लूड मैकेनिक्स का इन दिस सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच अगर मैं मैकेनिकल के अंदर बात करूं तो मैकेनिकल में हाइड्रोलिक्स पोर्शन से जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं लगभग दस के आसपास वहीं पर अगर मैं पंप टर्बाइन की बात करूं तो वहां से चार से पांच क्वेश्चन होते हैं ओपन चैनल फ्लो मैकेनिकल वालों के लिए उतना रिलेवेंट नहीं है कभी कभी किसी एग्जाम में ओपन चैनल फ्लो से भी क्वेश्चन आ जाता है और वो भी बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है तो मैकेनिकल वालों के लिए इतना ओपन चैनल फ्लो रिलेवेंट नहीं है बट एफ बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियर है सो दिस इज दी एंड जे एग्जाम्स

पूरे यूनिवर्स में जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं और फोर्स के कारण कुछ इफेक्ट देखने को मिलता है या तो वो ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हो जाएगा या तो वो ऑब्जेक्ट मोशन करने लग जाएगा जो भी आउटकम्स आते हैं फोर्स के कारण उसको उस पूरी प्रोसेस को फेनोमिना को हम मैकेनिज्म बोलते हैं क्या बोलते हैं मैकेनिज्म जैसे समझना हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है राइट और इस ऑब्जेक्ट पर अगर हमने कोई भी लोड लगाया तो उसके कारण इस ऑब्जेक्ट पे कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा क्या आएगा इफेक्ट आएगा और ये जो पूरा फिनोमिना है इस पूरे घटनाक्रम को इस पूरे फिनोमिना को हम मैकेनिज्म बोलते हैं क्या बोलते हैं बच्चों मैकेनिज्म और मैकेनिज्म की जब हम स्टडी करते हैं जैसे कोई भी फिनोमिना हो रहे हैं इस पूरे यूनिवर्स में तो उसके लिए साइंटिस्टों ने उसकी स्टडी करने के लिए फिनोमेना की स्टडी करने के लिए जो ब्रांच बनाई जो फील्ड बनाई उस ब्रांच या उस फील्ड को बच्चों हम क्या बोलते हैं साइंस बोलते हैं विज्ञान यानी साइंस क्या है साइंस सिंपल सी बात है फिनोमेना की स्टडी साइंस के लाता है अब अगर वो बायोलॉजिकल लेवल पे है लाइफ से संबंधित है उसके लिए हमने साइंस को बांट दिया बायोलॉजी पार्ट बना दिया अगर वहां पर हम बात कर रहे हैं केमिकल की या केमिस्ट्री या एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स तो उसके लिए हमने जो उसका हिस्सा बना दिया वो हो गया केमिस्ट्री और वहीं पर अगर हम फिजिकल वर्ल्ड जो भौतिक संसार है उसमें जो भी फिनोमिना हो रहे हैं उसकी स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए हमने बनाया फिजिक्स क्या बनाया फिजिक्स अच्छा दूसरा इसमें यह भी समझना जब हम फिजिक्स की बात करते हैं जिसमें हम फिजिकल वर्ल्ड के फिनोमिना की स्टडी करेंगे साइंस का वह पार्ट जिसमें हम फिजिकल वर्ल्ड की स्टडी करेंगे वो फिजिक्स कहलाया अब फिजिक्स में भी दो चीजें हो गई हम अगर मैक्रोस्कोपिक दुनिया की बात कर रहे हैं मैक्रो लेवल पर बात कर रहे हैं तो उसको हमने बोल दिया बच्चों क्लासिकल फिजिक्स क्या बोल दिया बच्चों क्लासिकल फिजिक्स वहीं पर अगर हम माइक्रो लेवल पर चीजों की स्टडी कर रहे हैं तो उसका नाम हो गया बच्चों क्वांटम फिजिक्स क्या नाम हो गया क्वांटम फिजिक्स क्वांटम फिजिक्स में हम माइक्रो लेवल पर बातें करते हैं और मैक्रो लेवल अगर बात करें तो उसे क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं अब जो भी फिनोमिना है जिसकी मैं बात कर रहा था जहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो इफेक्ट आता है ये जनरली ये माइक्रो लेवल पर भी हो सकता है माइक्रो मै... पर भी हो सकता है बट मेनली अभी हम यहां पे बात करेंगे मैक्रो लेवल पर अब जब हमने यहां पे बात की कि मैक्रो लेवल पे कोई भी फिनोमिना हो रहा है अब वो बहुत सारे फिनोमिना हो सकते हैं वो सब क्लासिकल फिजिक्स में आएंगे बट ऐसे फिनोमिना जहां पर एक ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है उसके आउटकम की हम स्टडी कर रहे हैं तो ऐसे फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म की स्टडी करने के लिए हमने जो ब्रांच बनाई फिजिक्स की उसको कहा जाता है मैकेनिक्स यानी मैकेनिक्स फिजिक्स की या बोलें तो साइंस का वह डोमेन है वह ब्रांच है जहां पर हम किस बात की स्टडी कर रहे हैं बच्चों मैकेनिज्म की और मैकेनिज्म क्या होता है मैंने अभी आपको बताया मैकेनिज्म वह है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा और उसके इफेक्ट की हम स्टडी करेंगे तो साइंस या फिजिक्स का वह ब्रांच जहां पर मैकेनिज्म की स्टडी हो उसे मैकेनिक्स कहा गया अब उसी प्रकार से बच्चों क्या हुआ कि जब हमें यह समझ में आया कि मैकेनिक्स के अंदर हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट पर ऑब्जेक्ट पर जो लोड का इफेक्ट आएगा उसकी हम स्टडी करेंगे मैकेनिक्स के अंदर तो फिर ऑब्जेक्ट भी अलग अलग प्रकार के होते हैं तो मैकेनिक्स को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया जैसे बच्चों का समझेंगे अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है वो या तो सॉलिड होगा या तो जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लूड होगा फ्लूइड कौन होते हैं फ्लूइड बच्चों दो प्रकार के होते हैं एक होता है लिक्विड इसमें डिटेल में हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं और दूसरा हो जाएगा हमारे पास गेसेस जब हम सॉलिड की बात करते हैं सॉलिड में भी हमारे पास दो केस आ जाते हैं एक हो जाएगा रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी जिनमें डिफॉर्मेशन होगा लोड लगने पे जो इफेक्ट आएगा वो बहुत कम आएगाजिबल डिफॉर्मेशन लोड लगने पर उनको रिजिड बॉडी बोलते हैं और जिनमें सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन आएगा लोड लगने पर ऐसी बॉडी को हम नॉन रिजिड बॉडी बोलते हैं क्लियर अब चूंकि ऑब्जेक्ट भी अलग अलग प्रकार का हो गया तो इसलिए एफ एम जो हमारा मैकेनिक्स है उसके भी हमने अलग अलग पार्ट बना दिए जिसमें हम फ्लूइड पर स्टडी करेंगे उसको हमने बोल दिया बच्चों फ्लूइड मैकेनिक्स क्या बोल दिया बच्चों फ्लूइड मैकेनिक्स जिस ब्रांच के अंदर हम नॉन रिजिड बॉडी की स्टडी करेंगे उसको हमने बोल दिया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या उसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या उसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल सोम मॉस या मॉम। वहीं पर अगर हम रिजिड बॉडी पे स्टडी कर रहे हैं तो मैकेनिक्स की इस ब्रांच को हमने बोल दिया बच्चों सॉलिड मैकेनिक्स ऐसा इसलिए बोला जो कि रिजिड बॉडी को ध्यान रखना रिजिड बॉडी को आइडियल सॉलिड बॉडी भी कहा जाता है आदर्श ठोस पदार्थ क्लियर तो रिजिड बॉडी आइडियल सॉलिड बॉडी है तो उस पर जो मैकेनिक्स बनी उसको हमने सॉलिड मैकेनिक्स बोल दिया या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी बोलते हैं जो हम इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ते हैं जिसमें हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया गायरेशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ठीक ये सारी चीजों की स्टडी करते हैं लामिस थ्योरम पढ़ते हैं इसके अंदर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम स्ट्रेस और स्ट्रेन की स्टडी करते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी पे नॉन रिजिड बॉडी का एक और नाम क्या है डिफॉर्मेबल बॉडी और ये कौन होगी नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी हमें जो सब्जेक्ट है फ्लूड मैकेनिक्स वो ये रहा मतलब फ्लूड मैकेनिक्स का मतलब क्या हो गया फ्लूड मैकेनिक्स साइंस की वह ब्रांच है या मैकेनिक्स की वह ब्रांच है जिसके अंदर हम फ्लूड पे लगने वाले फोर्सेस और उसके आउटकम्स पर बात करेंगे मैं फिर रिपीट कर रहा हूं यानी फ्लूड जिसमें फ्लूड पर फोर्सेस लगेंगे और उसके आउटकम्स पर हम स्टडी करेंगे इस टर्म डेज फ्लूड मैकेनिक्स यानी अगर हम थोड़ा सा बैक आ जाए और यहां पर समझें तो हमारे पास जो मैकेनिक्स है उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ ली मैकेनिक्स की डेफिनेशन क्या हो गई ब्रांच ऑफ साइंस मैकेनिक्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चों ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विथ डील्स विथ एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस एंड इट्स इफेक्ट एंड इट्स इफेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट पर तो मैकेनिक्स बोल देंगे अगर ऑब्जेक्ट हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हमारा कैसा हो गया बच्चों रिजिड रिजिड बॉडी हो गया, सॉलिड बॉडी हो गया तो उसे हम क्या बोल देंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अगर ऑब्जेक्ट हमारा नॉन रिजिड बॉडी या डिफॉर्मेबल बॉडी हो गया तो उसको हम क्या बोल देंगे बच्चों उसको हम बोल देंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ठीक है मतलब डिफॉर्मेबल बॉडी ठीक है और ये क्या हो जाएगा नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी और वहीं पर अगर जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लूइड है लिक्विड है गैसेस है तो उसको हम क्या बोलेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स

एक्सिलरेशन निकालना सीखते हैं वॉट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इट इज ब्रांच ऑफ साइंस विच फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफॉर्मेबल बॉडी यहां पर हम मेनली स्ट्रेस और स्ट्रेंथ की स्टडी करते हैं नाउ जो हमें पढ़ना है जो हमारा सब्जेक्ट है फ्लूड क्या है इट इज ब्रांच ऑफ साइंस विच डील स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन दूड वॉट आर फ्लू वो हम आगे बात भी करने वाले बट अभी अगर हम बोले तो लिक्विड और गैसेस तरल पदार्थ और गैस पदार्थ को हम फ्लूड बोलेंगे क्लियर तो फ्लो कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन विस्कोसिटी ऐसी कई सारी विशेषताओं पर हम यहां पे डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट आ जाते हैं अब जब हम फ्लूड मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं फ्लूड मैकेनिक्स अभी हम समझने जा रहे हैं तो बच्चों जो फ्लूड मैकेनिक्स है वो भी फिर तीन पार्ट में डिवाइड किया समझ रहे है ना अब ऑर्डर पहले क्या बना साइंस बना साइंस से क्या बना केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स फिजिक्स के भी अलग-अलग हिस्से -अलग बने उसमें क्या बना मैकेनिक्स मैकेनिक्स के भी अलग-अलग हिस्से -अलग बने सॉलिड सोम फ्लूइड मैकेनिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स के भी अब अलग-अलग हिस्से -अलग हो गए एक को कहा जाता है बच्चों फ्लूइड स्टैटिक दूसरे को कहा जाता है फ्लूइड काइनेमेटिक और तीसरे को कहा जाता है डायनामिक्स अब इनका मतलब क्या है वो समझते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का वह ब्रांच जिसमें हम फ्लूइड के रेस्ट कंडीशन पर अगर स्टडी करेंगे जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में यहां पर कोई लिक्विड स्टोर्ड है तो इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं कौन कौन से इस पार्टिकल की क्या क्या विशेषता है क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं अगर हम ये सब डिस्कशन करेंगे इसके बिहेवियर की स्टडी करेंगे फ्लूड पार्टिकल की रेस्ट कंडीशन में तो उसको हम फ्लूड स्टेटिक्स बोलेंगे एट रेस्ट कंडीशन परंतु अगर हम कोई भी फ्लूड हमारा है क्लियर है उसके मोशन की स्टडी करें किसकी बात करें मोशन की फ्लूड मोशन कंडीशन में फ्लूड मूविंग कर रहा है मूव कर रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू वन अदर तो फिर दो ब्रांच बन जाती है काइनेमेटिक्स और एक डायनामिक्स एग्जांपल लेते हैं जैसे मान लो कि हमारे पास कोई भी एक नदी है उसका एक बॉटम है तल है और उसके ऊपर से नदी में वो पानी जो है वो फ्लो कर रहा है क्लियर है यहां तक अब ये मोशन की बात हो गई अब अगर मैं इसमें जो भी इसकी वेलोसिटी हो जो भी एक्सीलरेशन हो जो भी कुल मिलाकर फ्लो पैरामीटर हो पार्टिकल रोटेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं रोटेशनल मोशन है या नहीं है ई रोटेशनल है तो कैसा है ये सब बातें कर रहा हूं पर अगर मैं बॉडी पर या फ्लूड पर लगने वाले फोर्सेस की बात ना करूं फोर्सेस को कंसिडर ना करूं तो वो फ्लूड काइनेमेटिक्स है फ्लूड मैकेनिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम फ्लूड के मोशन की स्टडी करते हैं विदाउट कंसिडरिंग कॉज ऑफ मोशन कॉज ऑफ मोशन कौन होता है फोर्स कॉज ऑफ मोशन की बात नहीं करेंगे वहीं पर डायनामिक्स की अगर हम बात करें तो हम यहां पर मोशन की स्टडी तो करेंगे बट मोशन के साथ साथ जो कॉज कॉज ऑफ मोशन है कॉज ऑफ मोशन बच्चों कौन होता है कॉज ऑफ मोशन हमेशा एक फोर्स होता है जैसे हम जानते हैं कि या थोड़ा अगर आपको पता हो तो जब भी रिवर में फ्लो होता है तो मेनली कौन सा फोर्स लग रहा है ग्रेविटी फोर्स लग रहा है अब मैं मोशन की बात करूं पर वो ग्रेविटी फोर्स की भी बात करूं तो वो डायनामिक्स के लाएगा समझ में आया स्टेटिक्स मतलब रेस्ट कंडीशन में स्टडी करना मोशन में करेंगे तो दो नाम बनेंगे काइनेमेटिक्स और डायनामिक कॉज ऑफ मोशन की बात नहीं करी तो काइनेमेटिक्स तो फिर वहां क्या करेंगे तो वहां फ्लो पैरामीटर की स्टडी करेंगे वेलोसिटी एक्सीलरेशन एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वोटिसिटी सर्क्यूलेशन स्ट्रीम लाइन पाथ लाइन एक्सेट्रा एक्सेट्रा फ्लो नेट स्ट्रीम फंक्शन वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन सिर्फ फ्लो पैरामीटर की बात करेंगे ठीक डिस्चार्ज कितना होगा ये सब अगर हम मोशन की बात करें बट जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको भी लें ग्रेविटी फोर्स विस्कस फोर्स प्रेशर फोर्स सरफेस टेंशन फोर्स जो भी चीज हम स्टडी कर रहे हैं वहां पर तो उसको हम डायनामिक्स बोलेंगे क्लियर <coughs> मतलब कि अगर हम फ्लूड मैकेनिक ब्रांच ऑफ द साइंस द डील्स विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूड फ्लूड मतलब लिक्विड और गैसेस एट रेस्ट रेस्ट में भी स्टडी करें और मोशन में भी करें तो उसको फ्लूड मैकेनिक्स बोलेंगे अब तीन बातें यहां पे हो गई पहला हो गया स्टेटिक स्टेटिक क्या पढ़ा हमने स्टडी ऑफ द फ्लूड एट रेस्ट इज कॉल फ्लूड स्टेटिक क्या हो गया स्टडी ऑफ फ्लूड इन मोशन वेयर प्रेशर फोर्सेज आर नॉट कंसिडर प्रेशर फोर्सेस भी बोले या हम बोल दें एनी फोर्सेस या हम यह भी बोल सकते हैं कॉज ऑफ मोशन इज नॉट कंसिडर मोशन की मोशन को कॉज कौन कर रहा है फोर्स उस फोर्स की बात नहीं करें तो क्या डायना स्टडी ऑफ फ्लूड इन मोशन वेयर प्रेशर फोर्सेस या हम बोल सकते हैं कॉज ऑफ मोशन आर आल्सो कंसीडर फॉर दूड इन मोशन फोर्सेस की भी बात करें तो फ्लूड डायनामिक्स हो जाएगा अब हम आगे बढ़ने से पहले बच्चों फ्लूइड्स को समझने से पहले बच्चों हम थोड़ा सा फ्लूइड और सॉलिड में क्या डिफरेंस है इस पर बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लूविड क्या होता है देखो फ्लूड वर्ड बच्चों कहां से बना फ्लूड का मतलब है कि फ्लूड वर्ड बनाए फ्लूडिटी शब्द से और फ्लूडिटी शब्द का मतलब होता है तरलता और फ्लुइडिटी का मतलब है एबिलिटी टू फ्लो एबिलिटी टू फ्लो अब ये फ्लो क्या होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा ऐसा कोई भी सब्सटेंस या पदार्थ जिसमें फ्लो होने की एबिलिटी हो उसको हम बोलेंगे फ्लूडिटी और फ्लूडिटी शब्द से वर्ड बना फ्लूड फ्लो होने की एबिलिटी फ्लो क्या चीज है फ्लो कोई अलग चीज नहीं देखो बच्चों फ्लो का मतलब है डिफॉर्म होना जैसे हमारा सॉलिड भी डिफॉर्म होता है बट हम सॉलिड ऑब्जेक्ट में कभी फ्लो वर्ड यूज नहीं करते क्योंकि जो, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसमें एक फिक्स्ड डिफॉर्मेशन होता है यहां पर जब डिफॉर्मेशन होता है तो वो कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन होता है अगर हम थोड़ा सा भी फोर्स लगाएं और वो डिफॉर्म होना चालू हो जाए वो भी लगातार डिफॉर्म होता चला जाए तो हम फ्लो वर्ड का यूज करते हैं फ्लो कोई अलग चीज नहीं फ्लो डिफॉर्मेशन ही है बट कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन इन दिस सब्सटेंस इस टर्म एज फ्लो और जिसमें फ्लो की एबिलिटी वो फ्लूडिटी और फ्लूडिटी से वर्ड बन गया फ्लूड तो ऐसी एबिलिटी बच्चों दो में होती है एक तो लिक्विड में होती है और एक किसमें गैसेस में होती है अगर तरल पदार्थ लिक्विड की हम बात करें तो लिक्विड क्या है विच इज विजिबल अंडर एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर और गैसेस क्या है विच आर नॉट विजिबल अंडर एटमोस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर इनको हम फील कर सकते हैं देख नहीं सकते महसूस कर सकते हैं देख नहीं सकते गैसेस हैं कुछ गैसेस को हम देख सकते हैं जो कलरफुल गैसेस होती हैं उनको हम देख सकते हैं ठीक लिक्विड को हम महसूस भी कर सकते हैं देख भी सकते हैं सारी चीजें डिटेल में डिस्कशन करेंगे लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस है उस पर भी हम आएंगे पर पहले अभी हम यहां पर आगे बढ़ने से पहले कुछ और बातें कर लें सबसे पहले हमें बात करना है जितने भी हमारे पास सब्सटेंस हैं उन सब्सटेंस को हम का दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं एक तो हमारे पास हो गया सॉलिड सब्सटेंस ठीक है और एक सब्सटेंस हमारे पास हो गया फ्लूड ठीक है फ्लूविड में भी हमारे पास कौन आ गया बच्चों लिक्विड आ गया और गैस आ गया ठीक है तो सबसे पहले यहां पे कुछ डिफरेंस पॉइंट की बात कर लेते हैं सॉलिड सब्सटेंस क्या है सॉलिड सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस है अगर हम शेप और वॉल्यूम की बात करें तो सबसे पहले हम शेप पर बात करते हैं शेप पर डिस्कशन करते हैं पहला डिफरेंस का पॉइंट ठीक है तो सॉलिड का जो शेप होगा बच्चों वो क्या होगा फिक्स्ड शेप होगा एक लिक्विड का आपका फिक्स्ड शेप नहीं होगा जिस भी कंटेनर में आप डालेंगे टेक द शेप ऑफ कंटेनर टेक शेप ऑफ कंटेनर इनका इनका शेप फिक्स नहीं होता और जो गैसेस हैं इनमें भी इनका शेप फिक्स नहीं होता जिस कंटेनर में डालेंगे उसका शेप ही ऑक्यूपाई कर लेते हैं मतलब शेप फिक्स नहीं है शेप सिर्फ सॉलिड का फिक्स है अगर बच्चों हम दूसरा यहां पर वॉल्यूम पे बात करें तो इनका जो हमारे पास वॉल्यूम है सॉलिड सब्सटेंस का वो वॉल्यूम इनका हमारे पास फिक्स्ड होता है लिक्विड जो है इनका भी वॉल्यूम फिक्स्ड होता है जैसे मान लो कि अगर हमारे पास एक लीटर पानी है तो उसको अगर मैं बाल्टी में रखूं या बोतल में रखूं या किसी बड़े से कंटेनर में डाल दूं, ठीक है हर केस में वो वॉल्यूम वन लीटर ही रहेगा जो गैसेस होती हैं, इसका अपोजिट इनका जो वॉल्यूम है बच्चों वो फिक्स्ड नहीं होता जिस भी कंटेनर में आप डालोगे उसका वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई कर लेंगे क्योंकि इनके पार्टिकल लगातार मोशन में होते हैं मोशन परफॉर्म करते हैं। क्लियर मतलब कहने का मेरा मतलब बच्चों ये है कि जो हमारे पास गैसेस पार्टिकल है यह ऑक्यूपाई वॉल्यूम हम ऐसा लिख सकते हैं वर्ड नहीं लिख देंगे हम यहां पे लिख देंगे ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जो कंटेनर का वॉल्यूम है वह वॉल्यूम यह पूरा ऑक्यूपाई कर लेंगे आगे बात समझ में तो यह हो गया हमारे पास शेप यह हो गया हमारे पास वॉल्यूम अगर हम तीसरा यहां पर इनमें डिफरेंस देखें किन किन में डिफरेंस हम देख रहे हैं हम डिफरेंस अभी देख रहे हैं सॉलिड के अंदर फिर हम बात कर रहे हैं लिक्विड के अंदर और फिर हम बात कर रहे हैं गैसेस में इनमें डिफरेंस देखें तो एक तो हो गया शेप के आधार पे तीनों में डिफरेंस एक हमने पढ़ा वॉल्यूम के आधार पे अगली चीज समझना अगर दूसरा हम यहां पर तीसरा थर्ड डिफरेंस अगर हम देखें तो वो हम यहां पर बात कर सकते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो सॉलिड के अंदर जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी स्ट्रांग होता है स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होता है

तो गैसेस के जो पार्टिकल हैं उनमें बहुत ही वीकेस्ट बॉन्ड होता है पूरे यूनिवर्स का और वो जो वीकेस्ट बॉन्ड है उसको हम वॉल बॉन्डिंग भी बोलते हैं क्योंकि वंडर वॉल साइंटिस्ट ने उसको डिफाइन किया था जो कि सबसे वीकेस्ट बॉन्ड है यूनिवर्स का अब अगर हम यहां पर इनका पार्टिकल क्लोजनेस की बात करें पार्टिकल कितने पास पास होंगे तो देखिए कोई भी पार्टिकल आप ये समझते होंगे कि जो पार्टिकल है वो गैसेस में मूव करते हैं लिक्विड में नहीं करते और सॉलिड में तो करते ही नहीं होंगे तो ऐसा नहीं है कोई भी पार्टिकल हो एटम्स या मॉलिक्यूल इस पूरे यूनिवर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट में वो हमेशा मूव करता है तो सॉलिड के अंदर भी पार्टिकल्स होंगे पर बहुत पास पास होंगे उनकी डेंसिटी बहुत क्लोजनेस होंगे पार्टिकल बहुत पास पास होंगे क्योंकि बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांगर है अब बॉन्डिंग चूंकि स्ट्रॉन्गर है तो बच्चों यहां पर क्या होता है जब हम इनकी बात करेंगे तो इनमें भी पार्टिकल अपनी ही पोजीशन पे मूव करेगा मोशन होगा पार्टिकल मूव करेगा बट वो बहुत नेगलिजिबल होगा कि इतना कि हम उसको फील नहीं कर सकते माइक्रो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हम उसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेवल पे जाएं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो पार्टिकल की पोजीशन थोड़ी सी हमें चेंज होती हुई दिखेगी मतलब एंट्रोपी जिसको हम बोलते हैं तो पार्टिकल की बात करें तो लिक्विड में चूंकि मॉडरेट बॉन्डिंग है तो पार्टिकल थोड़े से दूर दूर होंगे बहुत पास तो नहीं होंगे थोड़े दूर दूर होंगे और यहां पर भी जो बच्चों पार्टिकल हैं उनमें रेंडमनेस होगी और वो मूव करेंगे और थोड़ा सा यहां पर जो रेंडमनेस होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा क्लियर है बट ऐसा नहीं कि कुछ भी रेगुलर या रेंडम मोशन हो रहा है ठीक है वो रहेंगे अपने ही उसमें जो जिनसे बॉन्डेड है उनके साथ रहेंगे ठीक है बट मोशन होगा रेंडमनेस थोड़ी सी ज्यादा होगी वहीं पर बच्चों अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस के अंदर जो पार्टिकल होते हैं चूंकि वीक बॉन्डिंग है तो बहुत ही दूर होते हैं और चाहे हम मैक्रोस्कोपिक लेवल के अंदर बात करें या माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें इनमें जो रेंडमनेस होगी वो बहुत ज्यादा होगी हाई इनमें काफी एंट्रोपी होगी ठीक मतलब जो पार्टिकल है वो इवन मैक्रोस्कोपिक लेवल पर भी कंटिन्यूस मोशन के अंदर होगा और वो जो मोशन होगा बच्चों वो एक जिगजेग मोशन होगा एक फिक्स्ड मोशन नहीं होगा कंटिन्यू जिग्सैग मोशन और इस जिगजेग मोशन को साइंटिस्टों ने बच्चों ब्राउनियन मोशन भी डिफाइंड करा है क्लियर इसलिए ये जो होते हैं इनका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता ये लगातार मूव करते रहते हैं ये मूव करते हैं बट बहुत इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ये मूव करते हैं बट थोड़े से बड़े लेवल पर मूव करते हैं मैक्रो लेवल पे समझ नहीं आएगा इन दोनों में बट ये तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर भी मूव करते हैं लगातार तो नहीं बाउंड्री इन है, इनकी एक है। ये उसी बाउंड्री में रहेंगे इनकी भी फिक्सड बाउंड्री है थोड़ा सा रेंडम ज्यादा है इनका रेंडम सबसे हाईएस्ट है क्योंकि विकेस्ट बॉन्डिंग है और यहां पर इनकी कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं होती तो जिस भी कंटेनर में डालेंगे वॉल्यूम फिक्स नहीं होगा और उस कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेंगे क्लियर है मतलब हम यहां पर यह भी बोल सकते हैं इनमें एक और डिफरेंस बच्चों ये भी बना सकते हैं हम किसमें सॉलिड के अंदर लिक्विड के अंदर और गैसेस के अंदर हम एक डिफरेंस ये भी बना सकते हैं कि इनकी जो अगर हम बाउंड्री के रिस्पेक्ट में बात करें तो इनकी एक फिक्स्ड बाउंड्री होगी इनकी भी एक फिक्स्ड बाउंड्री होगी बट इनकी कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं होगी आगे सभी को बात समझ में एक डेफिनाइट शेप होगा इनका सो दिस इज द डिफरेंस इन ऑल थ्री सॉलिड में क्या डिफरेंस है लिक्विड में क्या डिफरेंस है गैसेस में क्या डिफरेंस है आई होप आपको ये समझ में आया होगा अब हम चलते हैं बच्चों अगला डिफरेंस समझने कि जो सॉलिड होता है और जो फ्लूड होता है हमने तीनों में डिफरेंस समझ लिया अब सॉलिड में और फ्लूड में हम डिफरेंस को समझेंगे फ्लूड में ऑल टुगेदर तो हम यहां पे लिक्विड और गैसेस में ऑल टुगेदर बात कर रहे हैं होता क्या है जैसे हमारे पास मान लो कोई भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है अब सॉलिड ऑब्जेक्ट में बच्चों मान लो कि यह हमारे पास एक स्टेशनरी सरफेस पर ये सॉलिड ऑब्जेक्ट रखा है अब इसमें अगर मैंने फोर्स लगाया मान लो एफ तो दो बातें होंगी ठीक है इसमें ध्यान रखना कि जब मैंने फोर्स लगाया एफ तो ये बॉडी ऐसे कुछ डिफॉर्म हो जाएगी ये हो गया ए बी सी डी तो ये जो पॉइंट है ये जो हमारे पास बी पॉइंट है यह बीडेश पर शिफ्ट हो जाएगा ये जो पॉइंट है सीडेश पर शिफ्ट हो जाएगा और ऐसा कुछ यहां पर हमें मोशन देखने को मिलेगा मतलब डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा और ये ऐसा कुछ यहां पर स्ट्रेन आ गया ये शियर स्ट्रेन आ गया यहां पर सबसे मेन बात जितना हम फोर्स लगाते जाएंगे उतना ही हमें डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा क्लियर है दूसरी चीज यहां पर दो बातें और हैं सॉलिड के अंदर अगर हमने फोर्स लगाया और वो उसकी जो कैपेसिटी होती है हर बॉडी की उसको हम इलास्टिक लिमिट बोलते हैं इलास्टिक है, है, है। लिमिट एक एक है अगर हमने उसके अंदर अंदर लगाया तो डिफॉर्म तो होगा बट जैसे ही लोन हटाएंगे वो वापस से अपने शेप में आ जाएगा और अगर उससे ज्यादा गए तभी वो परमानेंट डिफॉर्म होगा मतलब बच्चों अगर हम यहां पर देखें तो सॉलिड बॉडी के अंदर हम एक बात तो यह बोल सकते हैं सॉलिड बॉडी के अंदर है ना हम इनके डिफरेंस पढ़ रहे हैं सॉलिड और लिक्विड के तो एक हम पॉइंट तो यहां पर यह बोल सकते हैं कि अगर एफ एफ वन से कम हुआ वहां पे डिफॉर्मेशन तो आएगा बट वो डिफॉर्मेशन बच्चों कैसा होगा टेंरी लोड होगा तो वो डिफॉर्म होगा लोड हटेगा तो वापस से अपने शेप में आ जाएगा वहीं पर अगर लोड F1 से हुआ तब जाके उसमें परमानेंट डिफॉर्म होगा बाकी वो परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होगा अगली चीज यहां पर देखना जो डिफॉर्मेशन है वो कंटिन्यूस नहीं होगा जो डिफॉर्मेशन होगा लोड लगने पर सॉलिड ऑब्जेक्ट में वो होगा तो जरूर बट वो एक बाउंड्री में होगा बहुत ज्यादा नहीं होगा एक फिक्स डिफॉर्मेशन होगा फिक्सड डिफॉर्मेशन होगा ठीक एक पर्टिकुलर एंगल तक होगा बहुत ज्यादा ऐसा कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन नहीं होगा एक डिफॉर्मेशन होगा सर फिक्स डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है फिक्स का मतलब है कि जितना पैसा फेंकोगे उतना तमाशा देखोगे मतलब जितना स्ट्रेस लगाते जाओगे उतना आपको स्ट्रेन देखने को मिलेगा यही हमारा हौसला बोलता है हमारा हुसलो बोलता है हुसलो क्या बोलता है सॉलिड हम सोम के अंदर ही पढ़ते हैं कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन जितना आप स्ट्रेस लगाओगे उतना आपको स्ट्रेन देखने को मिलेगा फिक्स्ड होगा लगातार नहीं होगा कंटिन्यूस नहीं होगा आ गई बात समझ में वहीं पर बच्चों का विपरीत हम दूसरा एग्जांपल ले हम फ्लूइड को समझे फ्लूइड में क्या होता है अगर हम सपोज हमारे पास मान लो एक फ्लूइड है एक कंटेनर के अंदर ये सरफेस है हमारे पास एक ठीक है और यहां पर हमारे पास ये फ्लूड है मान लो ये कोई लिक्विड है ठीक है ऐसा पर्टिकुलर एक बाउंड्री के अंदर ठीक है अब मान लीजिए अगर मैं इस पर फोर्स लगाता हूं एफ फोर्स लगाता हूं तो ये जो मेरा फोर्स है यहां तो क्या है कि मैं इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन तब आएगा जब मैं इलास्टिक लिमिट से आगे जाऊंगा उससे कम रहा तो परमानेंट तो आएगा ही नहीं और वो जो फोर्स है वो भी मुझे पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड का लगाना पड़ेगा ऐसा नहीं कि कैसा भी लगा दू आ जाएगा बट फ्लू में क्या होता है ये हमारा फोर्स कितना भी स्मॉल क्यों ना हो <coughs> अगर मान लीजिए जो फोर्स है, ये अगर बहुत छोटा भी हुआ इवन स्मॉल इन मैग्नीट्यूड ये जो फ्लूड है ये लगातार कंटिन्यूस डिफॉर्म होगा कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन यहां पे होगा लगातार डिफॉर्मेशन होगा अब वो जो कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन हो रहा है ठीक है पहले हमने थोड़ा सा लगाया तो वो जो है वो थोड़ा कुछ एंगल पे गया, फिर हमने और, लगाया, तो वो और कुछ डिफॉर्म हुआ फिर हमने और लगाया तो वो और कुछ डिफॉर्म हुआ फिर और लगाया तो और डिफॉर्म हुआ ऐसे लगातार भले ही हमने बहुत जरा सा फोर्स क्यों ना लगाया कितना भी हम लगाएं ज्यादा लगाएं कम लगाएं इवन बहुत माइनर सा फोर्स भी लगाएंगे वो लगातार डिफॉर्म होता चला जाएगा अब मान लीजिए वो जो डिफॉर्मेशन है वो जितना भी टोटल डिफॉर्मेशन हुआ वो टी टाइम के अंदर हुआ किसके टाइम के अंदर हुआ बच्चों टी मिनट के अंदर हुआ तो जो फाइव बाई टी है उसको हम बोलेंगे रेट ऑफ डिफॉर्मेशन क्या बोलेंगे रेट ऑफ डिफॉर्मेशन यहां पर हमने डिफॉर्मेशन ही बोला रेट ऑफ डिफॉर्मेशन नहीं बोला यहां हम रेड बोल रहे हैं कुछ टाइम के साथ साथ होगा तो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन क्या हो गया एक मिनट में या एक सेकंड में कितना हो रहा है उसकी हम बात करेंगे तो यानी कि अगर हम यहां पर फ्लूड की बात करें लिक्विड नहीं अभी हम सॉलिड और फ्लूड के अंदर बात कर रहे हैं सॉलिड वर्सेस फ्लूड पहले हमने सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में वर्सेस बात करी अभी हम सॉलिड वर्सेस फ्लूड समझ रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट तो यहां पे समझ में आया कि फ्लूड अंडर गोस कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन नो मैटर हाउ स्मॉल नो मैटर हाउ स्मॉल इज अप्लाइड फोर्स हम कितना भी छोटा सा फोर्स लगा दें बच्चों वो तो कंटिन्यूस डिफॉर्म होगा और कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन जो बच्चों होता है उसी को हम फ्लो बोलते हैं मतलब हम क्या बोलेंगे फ्लूइड अंडर गोज फ्लो फ्लूइड अंडरगोज फ्लो कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन निरंतर

रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के प्रोपोर्शनल होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के ये इसको न्यूटन लॉ बोलते हैं यहां न्यूटन लॉ कहलाता है, है। फ्लूड के अंदर जितना स्ट्रेस लगाते जाओगे उतना आपको रेट ऑफ डिफॉर्मेशन एक सेकंड में एक सेकंड में जो डिफॉर्मेशन आ रहा है वो उतना ज्यादा मिलेगा कम स्ट्रेस है तो एक सेकंड में कम डिफॉर्म होगा ज्यादा स्ट्रेस है तो एक सेकंड में ज्यादा डिफॉर्म हो जाएगा और ज्यादा स्ट्रेस है तो एक सेकंड में अब और ज्यादा हो जाएगा टाइम से मतलब नहीं है सॉलिड में।, लगा। में लगाना पड़ेगा तब डिफॉर्मेशन आएगा वरना नहीं आएगा अब इलास्टिक लिमिट के अंदर हो तो नहीं आएगा इलास्टिक लिमिट के बाहर हो तभी परमानेंट आएगा वरना टेम्प्री होगा क्लियर है यहां तक तो ये हमारा मेन सॉलिड और फ्लूड के अंदर हमारा मेन डिफरेंस था आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में है एक और डिफरेंस मैं आपको बता दूं बहुत ही प्यारा डिफरेंस समझेंगे ध्यान से, जो हमारे पास सॉलिड पार्टिकल होते हैं और जो फ्लूड होता है अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड पार्टिकल्स बच्चों हमेशा एज अ डिस्क्रीट मास कंसिडर किया जाता है डिस्क्रिट मास का मतलब क्या होता है मास मास। मास का का मतलब मतलब होता है discontinuous mass. Discontinuous mass का मतलब, जैसे मैं आपको एग्जांपल दू तो हम ऐसे बोलते हैं एक पेन हम बोल सकते हैं चार चेयर क्लियर आप अपने बैग में कितने पेन हैं, कितने कॉपियां हैं वो गिन सकते हैं जैसे पेन हो गया चेयर हो गया बुक हो गया एक्सेट्रा कोई भी है बॉक्स है अलमारी है बेड है क्लियर करटे हैं विंडोज हैं, डोर्स हैं गिन सकते हैं डिस्क्रीट मार्क्स हैं। सॉलिड्स आर द काउंटेबल नाउन जो फ्लूड हैं, जैसे मान लो कि अगर एक ग्लास में पानी है वहीं पर एक बोतल में पानी है वहीं पर नदी में एक पानी है वहीं पर, वही पर समुद्र में पानी है तो हम ऐसा बोलते हैं क्या कि बॉटल में कम पानी मतलब फलाना पानी हजार पानी बॉटल के अंदर दो हजार पानी बाईस सौ पानी ट्वेंटी टू हंड्रेड पानी हम ये बोलते हैं नदी में फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड पानी क्या हम ऐसा बोलते हैं समुद्र में वन लेक पानी नहीं बोलते बॉटल में क्या है पानी है नदी में क्या है पानी है समुद्र में क्या है पानी है पानी ही पानी और सब पानी पानी है कहने का मतलब वहां पे हम कम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं जैसे कम पानी है लेस वाटर मोर वाटर समझ में आ रहा है हम गिनती उसको काउंट नहीं कर सकते मतलब कहने का मतलब जो फ्लूविड है बच्चों वो एक कंटीनम की तरह स्टडी किया जाता है कंटिनम का मतलब है बच्चों दो वर्ड से मिलके बना है एक होता है कंटिन्यूस कंटिन्यूस मास कैसा है ये कंटिन्यूस मास है हम हाँ मतलब उसमें मैक्रोस्कोपिक अगर जैसे मान लो कि हमारे पास कहीं भी ये मान लो नदी है है ना ये कोई भी हमारे पास एक जगह की हम बात करते हैं ये कोई लिक्विड है वाटर है कोई भी फ्लूड है ठीक है अगर अब मान लो मैं उसमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाऊं कहा जाऊं माइक्रोस्कोपिक लेवल अब जब मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल में जाऊंगा तो क्या होगा <coughs> आप जानते हैं यहां पे पार्टिकल में एंट्रोपी होती है सॉलिड से ज्यादा होती है एंट्रोपी ज्यादा तो हो सकता है इस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर मान लो कभी थोड़ी देर में किसी टाइम पर यहां पर 2000 पार्टिकल आ जाए डमी एग्जांपल दे रहा हूं मैं एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहा हूं एकदम सूक्ष्म लेवल पे हम जा रहे हैं तो किसी टाइम पर एंट्रोपी है तो उस रेंज में उस दायरे में कुछ पार्टिकल कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं कभी कोई कहां चला गया तो कभी दो मिले तो कभी मैंने गिने तो अब कितने हो गए चार हो गए तो कभी मैंने गिने तो अब तीन हजार हो गए तो कभी मैंने गिने तो कभी एक हजार हो गए डमी एग्जाम्पल तो ऐसे में हम कभी भी ऐसा हो सकता है तो सर फिर ऐसा हो सकता है तो फिर कंटिन्यूस मास क्यों बोल रहे हैं ये तो चेंज हो रहा है तो ऐसे में हम स्टडी नहीं कर सकते स्टडी करना डिफिकल्ट है इसलिए हम क्या करते हैं हम एक सर्टेन लेवल लेते हैं हम एक जब भी स्टडी करेंगे हम एक सिग्निफिकेंट वॉल्यूम की बात करेंगे जैसे मैक्रोस्कोपिक लेवल अब जब हम मैक्रोस्कोपिक लेवल में बात करेंगे तो यहां पे क्या होगा चाहे हम T1 पे देखें T2 पे देखें T3 पे देखें लगभग जो पार्टिकल है मान लो 10,000 है तो वो लगभग सब में टेन के टेन के लगभग इतने रहेंगे प्लस माइनस थोड़ा बहुत होगा उतना कोई खास बहुत बड़ा फर्क नहीं आ जाएगा आगे बात समझ में इतना कोई खास जैसे सपोज मान लो कि हम जीआईएस जीपीएस के थ्रू कभी गूगल मैप पर हम किसी पर्टिकुलर बेंगलोर शहर बेंगलोर शहर में मान लो सिविक लाइन है या सिविल लाइन है सिविल लाइन के चौराहे पर अगर हम सैटेलाइट के थ्रू उसकी इमेज लें तो हो सकता है एक पर्टिकुलर चौराहे पर कभी दस गाड़ियां हो गई कभी बारह हो गई कभी छह हो गई चेंज होगा अलग अलग विजुअल्स लें चेंज होगा बिल्कुल चेंज होगा वॉट विल हैपन अगर मैं हमारा थोड़ा सा लेवल ब्रॉड कर दूं मैं अगर पूरे बेंगलोर शहर का विजुअल देखूं तो लगभग अगर पूरे बेंगलोर शहर में एक करोड़ गाड़ियां हैं तो वो लगभग कितने भी विजुअल लू वो एक करोड़ ही रहेंगी आरिफ क्योंकि अंदर अंदर मूव हो रहा है ना ऐसा बहुत बड़े लेवल पर उतना खास मूवमेंट नहीं होगा तभी हम एक्यूरेट स्टडी कर सकते हैं क्योंकि एंट्रोपी है ना यहां पर सॉलिड में एंट्रोपी नहीं है यहां एंट्रोपी है इसलिए हमें यह डिसाइड करना पड़ा कि हम क्या माने

सॉलिड्स और फ्लूइड में एक बार फटाफट हम डिफरेंस देख लेते हैं सॉलिड के अंदर हमारे पास डिफरेंस क्या है हम एक सिग्निफिकेंट फोर्स लगाएंगे तभी डिफॉर्मेशन होगा अगर एक पर्टिकुलर लेवल से कम लगाया इलास्टिक लिमिट से कम तो टेम्पररी उससे अधिक लगाया तो परमानेंट दूसरा डिफरेंस क्या है डिफॉर्मेशन यहां पर फिक्स्ड होगा अगला जितना स्ट्रेस हम लगाते जाएंगे उतना स्ट्रेन आता जाएगा

नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो दूसरा हमने देखा कि यहां पर जो सॉलिड है वो डिस्क्रीट मास कंसिडर होता है दे कैन बी काउंटेड बट फ्लूड एक कंटिन्यूस मास माना जाता है एक क्वेश्चन यहां पर और पूछते हैं कि जो फ्लूड के अंदर एक क्वेश्चन यहां पे आता है ध्यान से सुनना ध्यान से कि फ्लूड में जैसे कंटिन्यूस मास का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा जैसे अगर हम टेम्परेचर ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस में देखें और अगर हम O2 गैस की बात करें ऑक्सीजन गैस की बात करें जैसे मान लो ये कहीं पर किसी जगह पे, किसी जगह पे, कहीं पर ये ऑक्सीजन गैस है तो अगर हम इसमें वन एम एम बाय वन एम एम बाय वन एमएम का एक सैंपल वॉल्यूम कंसीडर करें ऐसे में वन एम एम ऐसे में वन एम एम और ऐसे में वन एम एम इस वॉल्यूम के अंदर अगर हम देखें इतना वो जो मैंने कहा था ना एक सिग्निफिकेंट लेवल ले तब चेंजेस नहीं मिलेंगे तब कंटिन्यूस मान सकते हैं वह जो सिग्निफिकेंट वह जो सिग्निफिकेंट वॉल्यूम है जिस पर हम जो उसका हमें मास मिलेगा जो प्रॉपर्टीज मिलेंगी वो लगभग कांस्टेंट हो सकती हैं जब उसको कंटिन्यूम माना जा सकता है ऐसे वॉल्यूम को अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो वॉल्यूम है इसे क्या बोलेंगे तो इस वॉल्यूम को बच्चों बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक वॉल्यूम कैरेक्टरिस्टिक वॉल्यूम क्यों बोला क्योंकि ये वह वॉल्यूम है जिस पर अब हम उसके कैरेक्टर या उसकी प्रॉपर्टी की स्टडी कर सकते हैं और एक्यूरेट स्टडी कर सकते हैं इससे नीचे जाएंगे तो हमारे एनालिसिस में एरर्स आ जाएंगे वहीं पर ऐसे डायमेंशन को क्या बोलते हैं ये जो यहां पर एग्जांपल के थ्रू वन एम एम वन एम एम वन एम एम ये है ये क्या है इसको बोलते हैं बच्चों कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन क्या बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन आगे सभी को बात समझ में दूसरा ये पूछते हैं ऑक्सीजन में 20 डिग्री सेल्सियस पर लगभग कितने मॉलिक्यूल मिल जाते हैं तो इसमें जो मॉलिक्यूल मिलते हैं वो मिलते हैं थ्री इंटू टेन की पावर सिक्स मॉलिक्यूल और इतने जो मॉलिक्यूल रहते हैं फिर ये इस डायमेंशन पे इससे नीचे जाएंगे तो चेंज हो सकते हैं ये इतने पर आ जाएंगे या इसके बाद जाएंगे तो चेंज नहीं होते बड़ा लोगे तो नंबर और बढ़ जाएंगे और बड़ा वॉल्यूम लोगे बढ़ जाएंगे पर क्यूब में इतने ही रहेंगे मेरा कहने का मतलब पकड़ रहा अगर मैं वॉल्यूम अभी वन एम एम क्यूब लिया तो इतने दो एम एम क्यूब लूंगा तो सिक्स इंटू टेन की पावर सिक्स हो जाएंगे थ्री एम एम क्यूब का वॉल्यूम ले लूंगा तो नाइन इंटू टेन की पावर सिक्स हो जाएगा बट उससे नीचे गया तो हमें समझ में आया उससे जितना आगे जाते जा रहे हैं उतना पर एमएम उतर क्यूब उत ठीक है, है। बट अगर नीचे आएंगे तो पर एमएम क्यूब उतने नहीं रहेंगे तब ऐसा डायमेंशन ऐसा वॉल्यूम जिस पर कंटीनियम हम फील कर पाए कंटीन कॉन्सेप्ट को लगा पाए उसको कैरेक्टरिस्टिक वॉल्यूम डायमेंशन बोलते हैं क्लियर है अगली चीज यहां पर बच्चों समझना हमारे पास सेकंड क्वेश्चन यहां से आता है कि ऐसा कौन सा जगह है जहां पर हम कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं होता जहां पे फ्लूइड में कंटिन्यूम जो कॉन्सेप्ट है वो इनवैलिड हो, हो जाता है ऐसी कौन सी लोकेशन है जहां कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट इनवैलिड हो जाता है फेल हो जाता है तो उसका जो सही आंसर है वो ध्यान रखना इन अपर लेयर ऑफ एटमोसफियर एटमोस्फियर का जो अपर लेयर है अपर लेयर ऑफ लेटमोस्फियर वहां पर हमारा जो कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट है वो फेल हो जाता है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो अगर हम कई बार जैसे बादल को देखते हैं क्लाउड्स को देखते हैं क्लाउड्स क्या है क्लाउड्स आर दी जो आप गैसेस का ग्रुप बोल सकते हैं वेपर्स का हम ग्रुप बोल सकते हैं ठीक तो जब बहुत सारे वेपर आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं क्लाउड्स बनते हैं अब वेपर हो या गैस हो है तो फ्लूड ही बट जब हम क्लाउड्स को देखते हैं तो क्लाउड्स में हम ऐसे बोल सकते हैं एक बादल देखो वो दूसरा बादल आ रहा है उसके पीछे बोलते हैं मतलब जब बादल पे हम गए एक बादल दो बादल तीन बादल बहुत सारे हम बादलों में नंबर गिनने लग गए जबकि है तो वो fluid ही है तो वो वेपर सी है तो वो गैस ही पर वहां हम डिस्क्रीट कर रहे हैं उनको अलग अलग मान रहे हैं बाकी पूरे जगह हम फ्लूड को कंटीनियम ही मानते हैं सिर्फ अपर लेयर ऑफ एटमोसफेयर में कंटीनियम कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है तो पूछा जाता है ध्यान रखना कि कहां पे वैलिड नहीं है अपर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर क्लियर सो अभी तक जितना हमने पढ़ा उस पर हमारे पास है फ्लूइड इज अ दैट ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ प्रेशर वॉल्यूम शेप डेंसिटी फ्लूइड में जब हम कोई भी फोर्स लगाएंगे तो क्या चीज उसकी इजीली चेंज हो सकती है जिसके लिए वो कोई भी रेजिस्टेंस नहीं देगा प्रेशर नहीं वॉल्यूम देखो वॉल्यूम गैसेस का फिक्स नहीं है बट लिक्विड का तो है ना क्या आपके पास अगर एक लीटर पानी है उसको बॉटल में डालोगे तो एक लीटर ही रहेगा बाल्टी में एक लीटर रहेगा क्या चेंज हो रहा है नहीं डेंसिटी भी कांस्टेंट रहती इसका सही आंसर है बच्चों सी यानी शेप फ्लूइड के अंदर उसका शेप जो है वो चेंज हो, हो सकता है और उसको वो रेजिस्टेंस नहीं देगा इजीली उसका शेप चेंज हो सकता है तो अभी हमने यहां पे क्या पढ़ा इज फ्लूड फ्लूड इज ए कैपेबल ऑफ फ्लोइंग अंडर द एक्शन ऑफ दियर फोर्स अगर हम उस पर कुछ शेयरिंग फोर्स लगा रहे हैं तो वो लगातार डिफॉर्म होता चला जाएगा अच्छा एक और चीज ध्यान रखना अगर लगातार डिफॉर्म होता चला जाएगा तो मतलब उसने रेजिस्टेंस कितना दिया शेयर फोर्स को जीरो रेजिस्टेंस दिया और जो रेजिस्टेंस होता है बच्चों उसी को हम स्ट्रेस बोलते हैं तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई भी हमारे पास एक फ्लूड है और उसकी एक फ्री सरफेस है और उसकी फ्री सरफेस पे शेयर स्ट्रेस कितना होगा तो ध्यान रखना जीरो डाउट ये आता है कि सर स्ट्रेस कैसे जीरो होगा सर मान लीजिए फ्लूइड है और ये हमारे पास इसकी फ्री सरफेस है और इस फ्लूड पर सर अगर मान लीजिए मैं यहां पे फोर्स लगा रहा हूं शेयर फोर्स लगा रहा हूं तो सर स्ट्रेस तो आएगा ना अरे आपने जो फोर्स लगाया उसके कारण स्ट्रेस आएगा स्ट्रेस जनरली हम जो बोलते हैं मैकेनिक्स में वो रेजिस्टेंस वाला बोलते हैं आपके फ्लूड ने आपको कितना रेजिस्ट करा मतलब पॉइंट फिर से समझना जब आपने फोर्स लगाया तो सॉलिड रेजिस्ट करता है जो रेजिस्टेंस है उसी को मेनली हम स्ट्रेस बोल रहे हैं तो यहां जो शियर स्ट्रेस बोला उसका मतलब है फ्लूइड ने आपको कितना अपोज करा फ्लूइड ने कुछ अपोज नहीं करा इंटरनल रेजिस्टेंस टू दैट फोर्स इज शियर स्ट्रेस वो यहां पर जीरो है सॉलिड में शियर स्ट्रेस जीरो नहीं होगा फ्लूइड में शियर स्ट्रेस जीरो होगा वो रेजिस्ट नहीं करता इन दिस कनेक्शन फ्लूड कैन आल्सो बी डिफाइन इज द स्टेट ऑफ मैटर दैट कैन नॉट सस्टेन एनी शियर स्ट्रेस वो शियर स्ट्रेस को सस्टेन सहन नहीं कर सकता उसका रेजिस्टेंस जीरो होगा रेजिस्टेंस पावर जीरो होगी शियर स्ट्रेस जीरो होगा ध्यान रखना हाउ एवर स्मॉलर दी फोर्स में भी कितना भी छोटा फोर्स लगाए दैट इज अंडर द एक्शन ऑफ इवन स्मॉल फोर्स भले छोटा सा भी आप लगाएंगे वो कंटिन्यूस डिफॉर्म होगा कंटिन्यू डिफॉर्म होगा मतलब फ्लो करेगा सो so, ये था हमारा पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट जिसके अंदर हमने बात करा मैकेनिक्स क्या होता है मैकेनिज्म क्या होता है फ्लूड मैकेनिक्स क्या है स्टेटिक्स क्या है काइनेमेटिक्स क्या है डायनामिक्स क्या है जो सॉलिड है लिक्विड है गैसेस है इनमें क्या डिफरेंस है और जो फ्लूड है और सॉलिड इनमें क्या डिफरेंस है वो हमने समझा और कंटीनियम कॉन्सेप्ट क्या होता है और डिस्क्रीट मास क्या होता है और कंटीनियम कॉन्सेप्ट कहां पर फेल हो जाता है क्लियर इतनी चीजें हमने डिस्कस करी रिमेनिंग जो पार्ट है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे रिमेनिंग पार्ट को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं क्लियर चलिए तो अगर आप लोग इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स में कंटिन्यूसली सभी सब्जेक्ट्स के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं इसी टीम के साथ वो भी लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों मॉड्यूल में दोनों चीजें आपको एक ही कोर्स में मिलेगी वो है सार्थक फॉर की प्रिपरेशन के लिए अगर आप सभी एग्जाम्स को फोकस कर रहे हैं तो विजय बेच आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है यहां भी लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों अवेलेबल है और दोनों में फ्री टेस्ट सीरीज साथ में आपको प्रोवाइड की जाएंगे अगर आप एस एस सी जे की टेस्ट सीरीज के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी है और नॉन टेक्निकल के अलग अलग सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो नॉन टेक्निकल वहां भी अवेलेबल है

आज का जो हमारा सेशन है इसकी जो कंप्लीट पीडीएफ है वो आपको मिलेगी प्लस ac+apnyt डिस्कशन चैनल पे ठीक है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए पब्लिक चैनल है आपको नाम दिख जाएगा सब्सक्राइब करें और कंप्लीट पीडीएफ आपको fm की आज के सेशन की यहां पर मिल जाएगी ठीक तो मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ठीक शाम को 5:30 बजे टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर